अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक ताज़ा तरीन खबर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ सख्त तरीन ऑपरेशन स्टार्ट है, जो कि 15 नवंबर से लेके मुसलसल जारी है, जिसमें अभी तक तकरीबन 1,19,850 यानी 1,19,850 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। इन गिरफ़्तार अफराद जो हैं, इनके अंदर तकरीबन 67,760 अफराद ऐसे हैं जिनके पास अकामा नहीं था या वो उनके पास अकामा ख़त्म हो चुका था, और तकरीबन 19,709 अफराद ऐसे शामिल हैं जो कि बॉर्डर को क्रॉस करके, सरहद को क्रॉस करके जा रहे थे सऊदी अरब में, उस जुर्म में गिरफ़्तार हुए हैं, और तकरीबन 30,956 यानी 30,956 अफराद ऐसे शामिल हैं जो अपने कफील के अलावा दूसरी जगहों पे काम कर रहे थे या जिनका अकामे का प्रोफेशन कुछ और था, मैनी कुछ और था, और वो काम किसी और जगह पर कर रहे थे। और इसमें तकरीबन 1,425 अफराद ऐसे शामिल हैं जो कि सऊदी अरब में आने की कोशिश कर रहे थे। सरहद को अबूर करने वालों में तकरीबन 78% यमनी लोग शामिल हैं, और इसके अलावा तकरीबन 21% इथोपिया के लोग शामिल हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत के बार बार ऐलान करने के बावजूद बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे अफराद ऐसे गिरफ़्तार हुए हैं जिनकी तादाद तकरीबन 30,956 है, यानी कि 30,956 अफराद ऐसे गिरफ़्तार हुए हैं जो कि अपने कफील के अलावा दूसरी जगहों पे काम कर रहे थे या अपने मैनी के लिहाज से, अपने प्रोफेशन के लिहाज से किसी दूसरे प्रोफेशन पर काम कर रहे थे। तो ऐसे अफराद गिरफ़्तार होने की जो एक बहुत बड़ी तादाद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपनी जगह पर काम ना करने की वजह से है। दोस्तों, ये तादाद जो है पिछले तकरीबन 15 से 16 दिनों की अफराद गिरफ़्तार अफराद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि वजारत अमल और दूसरे भी बहुत सारे इदारे इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा किसी भी ऐसे शख्स को किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा जो कि सऊदी कवानीन की किसी भी लिहाज से खिलाफ वर्जी कर रहा हो। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो लोग जो कि कानूनी तौर पे भी मौजूद हैं सऊदी अरब में, और वो अपने मैनी के लिहाज से काम करें और अपने अकामे के सही प्रोफेशन के लिहाज से काम करें, वरना इस गिरफ़्तारी से किसी सूरत में वो बचने वाले नहीं हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट बार बार ऐलान कर रही है। तो लिहाजा अपने आप को सेव करें और अपने प्रोफेशन और अपने कफ़ील के पास काम करें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के काम आएगी, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि कोई भी बंदा जो है वो यहाँ पर कानूनी तौर पे भी रह रहा है वो कहीं गिरफ़्तारी के ज़ुमरे में ना आ जाए। तो मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।